खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद है कलकत्ता। डॉन मूवी का वो गीत की बोल है कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद है कलकत्ता, फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी चाल। तो बनारस का वही पान, अगर आप बनारस आए, अगर आप यूपी आए और बनारस का पान नहीं खाए तो क्या खा क्यों पिया है? उसी बनारस के पान को मिला है जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं, और बनारस के पान सहित ऐसी कौन सी चीजें जिनको जीआई टैग मिला है उसका इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस के पान को जीआई टैग मिला है, बनारसी पान एंड 3 अदर वाराणसी प्रोडक्ट गेट जीआई टैग। ये आज की न्यूज थी। तो अब देखिए जीआई टैग क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे आपने सुना होगा कि आप कहीं घूमने जाते होंगे, आप मान लीजिए घूमने चले गए गोवा या फिर किसी मंदिर में चले गए, आसपास के 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर गए, तो आप पूछते हो कि यहाँ की फेमस क्या चीज है, आप फिर वहां की फेमस वो चीज उठा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो फेमस चीज बाकी कहीं नहीं मिलती, हर जगह मिलती, वहीं से जा जाके मिलती होगी। तो ऐसा नहीं कि पान इंडिया में कहीं और नहीं मिलता, लेकिन जो बनारस का पान है वहां पे भी लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उनकी बनाने की आर्ट है, तो अब हम उस पान को उस बनारस नाम से जोड़ के देखेंगे। जैसे आप आम खाते होंगे तो आप खाते होंगे लंगड़ा आम, दशहरी आम, और भी ढेर सारे आम होते हैं, अल्फांसो आम, लेकिन अब आप आम खाएंगे बनारस का लंगड़ा आम, मतलब बनारस का नाम उससे जुड़ जाएगा। तो वो नाम जोड़ना ये होता है जीआई टैग, उसको भौगोलिक संकेत दे दिया जाता है कि ये इस प्रॉपरली स्थान से रिलेटेड है। तो उस सामान के साथ वो नाम भी यूज होता है और उस नाम के साथ वहां की मार्केटिंग और वहां का टूरिज्म भी बढ़ता है, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो ये जीआई टैग दिया जाता है 10 सालों के लिए। सबसे पहले 2003 में जीआई टैग की बात शुरू की गई थी और 2004 में पूरे भारत का सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो अगर आप बनारस कभी जाए तो एक बार बनारस का पान अगर पॉसिबल हो तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं, वैसे मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है। तो क्या है, आदम चीनी एक चीनी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह कि आदम चीनी चीनी नहीं है, ये क्या है, चावल। एक बार मैं पहले लेता हूं, तो आदम चीनी क्या है, चावल है। तो आदम चीनी चावल को मिला है जीआई टैग। उसी तरह रामनगर का कई ढेर सारे न्यूज वाले क्या बोल रहे थे, इंग्लिश न्यूज वाले, रामनगर का भाटा, ये ज्वार भाटा टाइड नहीं है, ये रामनगर का भंटा है। हमारे यहाँ यूपी में बैगन को भंटा बोलते हैं, तो रामनगर का जो भंटा है उसे मिला है जीआई टैग। इसी के साथ साथ लंगड़ा आम, जो बनारस का लंगड़ा आम है, ईस्ट यूपी का जो लंगड़ा आम है उसमें भी खास तौर से बनारस का जो लंगड़ा आम है काफी फेमस है। तो बनारस के लंगड़ा आम को और रामनगर के भंटा को, आदम चीनी चावल को और बनारस के पान को, इन सबको जीआई टैग मिला है, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई केस स्टडी के साथ। थैंक यू।